हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज धनतेरस है, तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो, और एडवांस में आपको दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अभी धनतेरस है आज, मतलब तो मैं अभी उठी हूँ, लेट ही उठी हूँ, हमारी ठंड हो चुकी है काफ़ी। तो आज छुट्टी है, आज से राजीव को एक हफ्ते की छुट्टी हुई है, तो अब वहाँ आज हम लेट ही उठे हैं। और अब कर लेते हैं काम की शुरुआत, कैसे कैसे काम करना है, तो वैसे वैसे आपके साथ बात करती रहूँगी। और करते हैं आप घर का शुरुआत काम की। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ क्रचर से, ये वाला क्रचर से मैं बांध लेती हूँ अपने बालों को। मैं ज़्यादा देर तक खूब कस के नहीं रख सकती अपने बालों को, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती फिर, मतलब अगर मैं ज़्यादा कस के रखती हूँ अपने बालों को। तो ऐसे ही मैं अब अपने बालों को दूँ। रज्जू जा, सबसे पहले तो पानी लेके आ बेटा, जा कैनी ले जा। और गाइस, हम ना टैंकी का पानी नहीं पीते, हम दूर से लाते हैं, सिर्फ 5 लीटर की पानी की कैनी, और वो हमारा बहुत ही अच्छा पानी, स्वच्छ पानी होता है, वही हम पीते हैं। और एक कैनी हम डेली लाते हैं 5 लीटर की, तो वो हमारा पानी चल पड़ता है, बाकी काम के लिए यहीं से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ घर का सब काम। गाइज, ये ऐसा होता है हमारा बेड, और ये पानी की बोतल है, राजीव के पांव ठंडे होते तो ये ले लेता है, और ठंड हो चुकी है अब काफ़ी। और अब हम कर लेते हैं बिस्तरे की साफ सफाई कमरे की। क्या बोला बेटा? बोला तो बोला कुछ ना, मैंने नहीं खाना अमरूद, नहीं खाना मैंने, इसमें बीज होते हैं, मेरे दांत भागते हैं। और फ्रेंड्स, ये है रात का ग्लास का, और अभी मैंने ब्लैक टी पी थी उसका, और रात का ये दूध का, ऐसे ही पड़े हुए थे यहाँ बर्तन, सब इकट्ठे उठा रही हूँ। और अभी ऐसी ही पड़ी हुई मेरी किचन, ये चाय उबली हुई थी अभी, क्योंकि राजीव ने अपने लिए दूध वाली बनाई थी, और मैं ब्लैक टी पीती हूँ सुबह सुबह, मैंने दूध वाली पीती हूँ। और मतलब अभी सफाई करने को ही है, कल नहीं कर पाई थी, कल मेरे चोट लग गई थी और नहीं की थी। देखो ये वाले, वैसे तो हमेशा ही रात को हम साफ करके सोते हैं, पर नहीं किया था, तो अभी हम सारा काम करेंगे। और इसमें ऑयल रखा हुआ, ये मैंने कल बासी रोटी के मैंने कुछ चीज़ बनाई थी उसकी, उसका है। और यह पानी की बाल्टी ऐसे रखी हुई, या दूध की बोतल, और अभी बर्तन भी ऐसे धोने को ही है। गाइज, ये मैंने दूसरा वाला रूम है जिस पे टेबल है, इस पे मैंने देखो मनी प्लांट लगाया हुआ, ये है तो मनी प्लांट ही, पर ये प्लांट दूसरा सही है, मतलब जो दूसरे वाला मनी प्लांट थे वो नहीं है। तो ये ऐसे मैंने इसमें रखा हुआ नारियल के छिलके, जिससे में इसमें पानी रचा होता है, और भी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और एक वो ये वाला भी है, ये फैलने वाला है, चारों तरफ को ऐसे करके फैलेगा, इसमें भी आने लगी हुई है। और अभी इसको मैं गमले में लगाऊंगी, और ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसमें भी नई पत्तियाँ ये वाली आई है, ये वाली, बाकी तो ऐसी ही लाई थी, ये मैं अपने फ्रेंड के पास से लाई थी।
गाइस, ये सामान मेरे सिलाई में काम आने वाला है। रिले, इलास्टिक, बुकरम, ऐसे ही सब कुछ बता रही थी मैं। लेस और गोटा वो ये, और ये सामान ही मैं बता रही थी कि दूसरे कमरे में साइड में रखना है कि यही रहने दूँ। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि इसको सामान को मेरे को ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ पे, तो मैं पहले कमरे में रखूँ या इस वाले कमरे में। गाइस, मैं आपको बता रही थी ये यहाँ लहसुन है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें लोंगे लगी निकलने, जैसे कि होता है ना, देखो इसको हमारे लोंग बोलते हैं, ये वाली ये निकलने लगी इसके। मैं थोड़ा सा चेंज करके जगह दूसरी जगह रख देती हूँ, मैं इसको रखूँगी पार्ली साइड को, ये यहाँ पे है ना, तो उसकी मैं जिस जगह रख दूँगी इसको यहाँ रख दूँगी मैं यहाँ पर। गाइज, ये मैंने बेडशीट मोटी वाली बिछा दी है, इससे ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ भी कर दी साफ सफाई। फिक्का सा लग रहा है कुछ, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे ये वाला जो ये वाला है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी यहाँ पे, इसको हटाकर यहाँ पे बिछाऊंगी। यहाँ कुछ ना कुछ गिरता रहता है, कुछ ना कुछ। ये बस मेरा बहुत ही प्यारा रेक है, टेबल है, जो मर्जी, बस जो भी हम सामान हाथ में लगा यहाँ रख दिया, जो भी सामान हाथ में लगा यहीं रख दिया। तो अब इस कमरे को आप देख लीजिए कैसा लगा आपको ज़रा। हाँ, मैं सोच रही थी फ्रेंड्स, जो परले वाला कमरा है नीचे, मैं अभी बताऊंगी आपको, ये वाला सारा सामान है जो मेरा सिलाई का, इसमें जो सामान है इसको मैं दूसरे वाले कमरे में रख दूँ, आपको मैं अभी जगह बताऊंगी। तो आप बताना कि मैं वहाँ रखूँ कि यहीं रहने दूँ। इसको भी मैंने अभी अच्छी तरह नहीं रखा हुआ। गिर ही गया देखो, पर कुछ नहीं गिरा, ये बॉक्स गिरा है तो। और बस तो यहाँ मेरे इस वाले कमरे में सेल्फ नहीं है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। किचन की भी मैंने साफ सफाई कर दी हुई है, और ये मैंने पूजा की थाली निकाली थी धोने के लिए, और इसको मैं अलग से धोती हूँ। ये मेरा दूसरे वाला कमरा, यहाँ पे ये स्टडी रूम है राजीव का, और ये इसमें कपड़े अभी डालने हैं। और यहाँ बोल रही थी गाइस ने, वो जो मेरे सिलाई वाले बॉक्स है, तो ये यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, यहाँ पे रख दूँ तो आप मुझे बताना। ये दाग मेरे पता नहीं क्या के हैं, पहले से ये इस रूम में गंदे से लगते हैं, पर ये जाते नहीं, उठते नहीं, फिर कोशिश करूंगी इसको दोबारा से तसल्ली से इसको साफ़ करूं मैं। और गाइज, आपको कैसा लगा मेरे रूम ज़रूर बताना कमेंट करके। अभी मैं कपड़े धोने भी लगाए हुए, और अभी बहुत सारा काम है। अभी मैंने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया हुआ, बहुत सारा काम करने को है, 20 मिनट रह गए 12 बजने को। तो अभी मैं कुछ बना के खा लेती हूँ। राजीव खा गया था कड़ी और चपाती, और मैं भी अभी पास्ता बनाऊँगी, और एक पैकेट पड़ा हुआ पास्ते का, तो मैं वो बनाऊँगी, वो खाऊँगी। तो गाइज, कभी कभी प्लीज़ 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 आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि मेरे बेल आइकन का बटन को ऑन कर दे, आल पे कर दे, जिसपे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मेरे YT में सब कुछ बता देता है किसने किया हुआ किसने नहीं किया हुआ है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है तो वो आल पे क्लिक कर दें। कौन से खेल रहा है, स्कूल से काम नहीं दिया हुआ, दिया हुआ कुछ काम, कौन से गेम खेल रहा है जरा मेरे को बताइयो। अरे चलो चलो, कहाँ को चलो, कहाँ को चलो, कहाँ को चलो, कहां को चलो?